मेरे लिए थोड़ा बहुत सामान बिखरा पड़ा हुआ पूरा, ये बैग वगैरह गीजर निकाल दिया, ये बैग और भी बेडशीट वगैरह कूलर वगैरह बहुत सारा सामान है जो कि सुबह लेके जाएंगे, बाकी सब खाली कर दिया ये सब। तो बस अभी मॉर्निंग की चाय पी जा रही है और दोनों भी चाय पी रही है, सब पैकिंग हो चुकी है वहाँ पे और थोड़ा बहुत सामान उस रूम में पड़ा है और वहाँ पे पूरा पड़ा है, तो भी अब निकलेंगे मे बी 10 बजे जब पिकअप वाला आ जाएगा, तो चाय पी के रेडी हो जाते हैं फिर निकलते हैं अपने। हेलो जी, तो फाइनली मैं नहा धो के रेडी हो चुका हूँ, तनु फ्रेश होने गई है और सामान की कुछ ऐसी हालत पड़ी हुई है, घर की पूरा बिखरा पड़ा है, ये पूरा सामान पैक वैक किया हुआ इसमें ये सब सामान है, अभी मंदिर भी खोलना है, थोड़ा टाइम अच्छा मुहूर्त देख के फिर खोलेंगे। एक्चुअली घर चेंज करने का ये प्रॉब्लम है, घर बहुत प्यारा है, मतलब इस घर से कोई प्रॉब्लम नहीं, इस घर पे आने के बाद सब अच्छा ही चल रहा है, सब कुछ अच्छा ही हो रहा है, मतलब अच्छे गाने कर लिए हमने, अच्छा काम चल रहा है, बट यहाँ से शिफ्ट होने का कारण है कि ये जो घर है थोड़ा आउट में पड़ता है, मतलब बाहर है, बहुत बाहर पड़ता है, मेन सिटी से कम 25 या 20-30 किलोमीटर दूर पड़ता है, बहुत प्रॉब्लम होती है, ना तो कैब मिलती है यहाँ से और ना आने जाने में प्रॉब्लम होती है बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए सोच रहे हैं कि आप कैब में कैब के पैसे देते हैं, वही पैसे अगर अच्छा रेंट देंगे अच्छा करें तो वहाँ फ्लैट पे ओपन वहीं कर सकते हैं, तो इसलिए घर शिफ्टिंग करके वहाँ जाने वाले हैं और वहाँ पे सब इजीली हमें अवेलेबल हो जाएगा, ओला उबेर और जो भी कुछ चाहिए होगा वो, तो बस इसलिए हम वहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं। बाकी घर भी बहुत प्यारा था, बहुत अच्छा घर था, ये भी ये मेरा जयपुर का फर्स्ट घर था, अब वो सेकेंड घर होने वाला है, तो वहाँ शिफ्ट होंगे। आई होप कि वहाँ पर भी सब अच्छा हो, बाबा शाम की कृपा बनाए रखे और अपने लाला साहब हनुमान जी और अपने इसलिए, बाकी देखते हैं क्या होता है। तो गाइस सामान लोड हो रहा है अभी, मोस्टली आधा सामान चला गया है, बस ये तो पूरा खाली हो गया, यहाँ पे भरा पड़ा था और थोड़ा बहुत सामान है और थोड़ा बहुत यहाँ पे है, गैस वगैरह बचा है और ये बिस्तर। हेलो गाइस, तो फाइनली जो पूरा घर था वो खाली हो चुका है, अभी सिर्फ हमारा गोल्ड बटन और सिल्वर बटन बचा है जो कि लेके जाएंगे साथ में, उसमें नहीं डालेंगे, और ऐसा कुछ हाल है अभी घर का, पूरा खाली हो चुका है, थोड़ा बहुत सामान बचा है तो वो हम बाद में ले लेंगे। और निकल चुके हैं अगली लास्ट बार इस गलियों से जा रहे हैं कि वापस आना होगा नहीं, देखते हैं अगर हुआ तो कभी आएंगे मिलने इनसे जो पड़ोसी है। हेलो जी, तो फाइनली पहुंच चुका हूं मैं अपने नए घर पे और चाबी लेने जा रहा हूं मैं वहां पे क्लब हाउस में, और ये अपना नया घर है, यहां पे दिखाऊंगा घर तो अंदर से, इसका क्या काम चल रहा है अभी यहां पर। मैं गया था फ्लैट की चाबी लेने के लिए, बट फ्लैट खुला है क्योंकि वहां पे क्लीनिंग हो रही है, और ये जो पूरा है ये पूरा यहाँ पर पार्किंग है, आपको दिखाता हूँ, ये सब नीचे का पार्किंग है पूरा, हमारा घर है 14th फ्लोर पे, थोड़ा बहुत सामान उतार रहे हैं हम, तब तक लेके जाके मुहूर्त करना है तो मुहूर्त कर लेते हैं। बंदी तो मैं अब पहुँचने वाला हूँ और मैं सिर्फ लेके जा रहा हूँ रिंग लाइट और स्टैंड, क्योंकि इसके बिना तो बिना काम अधूरा है हमारा। गाइस एक्चुअली हमें जाना था 14th फ्लोर पे, जो बंदे थे काम करने वालों ने उन्होंने 30th फ्लोर पे ही पूरा सामान उतार दिया, तो अभी डबल मेहनत लग रही है हमें क्योंकि हम घर की क्लीनिंग में लगे हुए थे, तो जो बंदे ने था उसने पूरा सामान 3rd फ्लोर पे उतार दिया और हमारा घर है वो 14th फ्लोर पे, तो वापस यहाँ से सामान डाल के 14th फ्लोर पर जाना पड़ेगा, डबल काम यार, 3rd फ्लोर जो 3rd फ्लोर का सामान था वो भी लेके 14th फ्लोर जा रहे हैं। गाइस घर खाली करना बोले तो शिफ्टिंग करना बहुत ही मतलब हार्ड होता है, बैंगलोर में करते थे मम्मी सब वगैरह तो हमें इतना पड़ता नहीं था, बट आज मैंने किया तो बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब होती है, हेडेक होता है बहुत, अभी तो हेडेक होगा उस सामान को वापस अरेंज करना, क्लीनिंग वगैरह। तो फाइनली सामान आ चुका है और ये मैं हूँ बस बालकनी में खड़े होकर, यहाँ से व्यू देख रही है नीचे का, पहुँच चुके हैं और सामान सब ऊपर आ गया है, बट अब इसको अरेंज करने में कम से कम 2 दिन तो लगने वाला है, और आप हालत देख सकते हो पसीने से फुल, इतना ज़्यादा पसीना
इतनी ज़्यादा गर्मी है जयपुर में 2 दिन से, कल और आज बहुत ज़्यादा। तो बस अभी कंडीशन बनाए, वो क्लीनिंग कर रहे हैं और तनु थोड़ा बहुत सामान अरेंज कर दिए कहाँ पे क्या रखना है। चुके हैं और क्लीनिंग भी हो चुकी है, चुके हैं अपने घर। इतनी गर्मी है ना, बहुत ज़्यादा शूटिंग है। कितने बज रहे हैं अभी? कुछ भी हो, व्यू सबसे पहले। हमारा खाना भी आ चुका है और पानी की बोतल वगैरह बस बालकनी में आने वाले हैं, क्योंकि अभी तक लाइट्स की ऑन हुई नहीं है नीचे से, अभी तक किया नहीं, क्योंकि जो बंदा जो लाइट करता है वो अभी शायद लंच ब्रेक पे है। तो हम भी अपना लंच कर लेते हैं बालकनी में बैठ के, मस्त हवा आ रही है यहाँ पे। और जो यहाँ पे तनु किचन को अरेंज कर दी है, दूध उबालते हैं, तो अभी तनु दूध उबालेगी। इसके नीचे डाल दिया है और घर था तो थोड़ी बहुत लाइट काम नहीं कर रही है, इसलिए भैया को बुलाया और भैया ठीक कर रहे हैं। इधर को ख़राब करना है तो मेहू जा रही है, मेहू नहीं जाएगी ना ही, मेहू मस्ती है, मेहू मम्मा मारेंगे मुझे नहीं पता, मस्ती करोगे तो। मेहू यहाँ से चॉकलेट मांग रही है नीचे, एरोप्लेन वाले से मांग रही है। तो अभी बस लाइटिंग फिटिंग तो हो चुकी है और अभी आ रहा है आरओ वाला, तो वो भी फिटिंग करवाना है, क्योंकि बिना पानी के जीवन ही नहीं है। तो पहले आरओ सेट हो जाए ताकि हम पानी पी सके और ब्लॉगिंग कर सके। अब ब्लॉगिंग वो हाँ, वो बनके वैसे पानी निकाल रहे, एक दिन रखता है क्या उसमें पता नहीं, मैं पूछ लेना। 2 घंटे तक रखता है कि वो अंदर अच्छे से वो हो जाए, ठीक है, पर भरेंगे कैसा, वो गंदा पानी भरेंगे। हाँ ठीक है, वो आर ओ लगते फिर मटका भर देंगे। तो गाइस फाइनली अभी आर ओ लगने वाला है, लाइट फिटिंग तो अभी भी चल रही है, थोड़ा बहुत ये मिस्टेक चल रही है यहाँ पे, नहीं ऑन नहीं हो रहा है। तो गाइस थोड़ा टेढ़ा लग रहा है हल्का सा, हाँ ठीक है। तो गाइस यहाँ पे हमारा लगने वाला है गोल्ड और सिल्वर कटा। मैं आपको एक चीज दिखाऊं अभी दिखाते हैं। 1 2 3 लड़ने जा रही है, मुंह देख काला हो गया पूरा, इधर लगा के तूने ना पूरे ऐसे कर दिया पूरे मुंह का। तो फाइनली एको गार्ड लग चुका है और अभी घर की जो लाइटिंग फिटिंग है वो भी चल रही है। हो गया क्या भैया? गोल बटन होगा वो मैं नए घर में लगाऊँ, तो नया घर में लगाया, पुराने घर में ये खोला ही नहीं था, सिर्फ खाटू श्याम जी गए थे, इसकी पूजा करवाई थी और ऐसे ही पड़ा था वहाँ पे। मस्त आस्था और मैं वहाँ घूमने गए हैं, वहाँ पे मस्त हवा आ रही है ना, यहाँ से हवा मस्त आ रही है ना। हेलो जी, तो फाइनली नहा धो के रेडी हो चुके हैं और कपड़े भी पहन लिए हैं और तब कपड़ा है वो कल करेंगे, क्योंकि अब हम लोग जा रहे हैं, शिव भाई का बर्थडे है, मतलब कल बर्थडे है, तो आज हम केक कटवाने जा रहे हैं और सेलिब्रेशन करने जा रहे हैं। और हमारे घर पे आए हैं अजय भाई, अजय भाई और हम साथ में जाएंगे। ये है अजय भाई, ठीक है। तो अजय भाई और मैं और तनु और आस्था, हम सब लोग जाने वाले हैं अपने शिव भाई का बर्थडे सेलिब्रेशन और केक कटवाने के लिए। हमें कहाँ जा रहे हैं? एक बार राम राम, राम राम, जय श्री राम, राम जय श्री राम, ठीक ठाक भैया। और ये बड़े लोग इधर से, जैसे मैं एंट्री करता हूं, ये बड़े बड़े लोग कोठी बगले वाले लड़कियों पुनीत पुनीत कुमार काला शिशु। तो अभी बहुत जल्दी आपको नेक्स्ट व्लॉग में पूरे जो मेरा घर है उसका होम टूर देखने को मिलेगा, वो नेक्स्ट व्लॉग में मिलेगा, आज इतना ही बताऊंगा मैं। अभी हम जा रहे हैं अपने शिव भाई गुजर जो उनका बर्थडे सेलिब्रेशन करने जा रहे हैं, कल बर्थडे है बट 12 बजे आज केक कटवाएंगे हम लोग, तो उनसे मिलवाएंगे आपको, ऐसे आप जानते हैं सब लोग भैया। तो फाइनली हम निकल चुके हैं अपने फ्लैट से और मेहू चल रही है साथ में, अजय भाई, आस्था, तनु और वन एंड ओनली आपका माही। तो गाड़ी पक्का मार्क करी है अजय भाई, इसका पार्किंग इतना बड़ा है ना कि बंदा पार्किंग कहाँ करके भूल जाता है। और अजय भाई बोल, गाड़ी बजाओ ना, अजय ओए चल गाड़ी, ये मनुष्य मनुष्य गाड़ी पार्क करके भूल गया कि गाड़ी कहाँ पार्क करी है, नंबर तो याद होंगे ना गाड़ी के। तो गाइस उधर के अभी हम लोग जा रहे हैं शिव भाई के लिए केक लेने के लिए, SST बेकर्स यहाँ से केक लेंगे हम। गाइस हमने ये ब्लैक फॉरेस्ट केक लिया है अपने शिव भाई के लिए और अब इस पे नाम लिखाएंगे। तो फाइनली केक ले लिया है और अभी हम लोग निकल रहे हैं, गाड़ी वहाँ रुकी हमने और यहाँ से निकलेंगे मालवीय नगर के लिए, जहाँ पे वो तो डालूंगा मैं। और हमारे साथ भाई शिव भाई बर्थडे बॉय,
तो इनका बर्थडे है, सब लोग विश करें कमेंट में। तो इधर देखो भाई, टाइम ना हो भैया, टाइम नहीं, 12 नहीं, भाई भैया कट रहे हैं भाई, तैयार कर 46 ये यहाँ की स्पेशल आइस टी है, बहुत ही टेस्टी है, बहुत टेस्टी है। मैं टाउन कॉफी में भी किसी ने इनको पहचान लिया था, वो कैसे एक बार बड़े हुआ है। तो आज ही बड़े भैया का जन्मदिन है भैया, एक बात बोलूंगा दिल से सुनना, दिल से गानों से सुनना पड़ता है, दिल से मत सुनना। मैंने भाई से सुनना, मैंने भाईचारा बहुत कमाया सबके साथ रहा, लेकिन जो इनके साथ बात करने का और इनका सपोर्ट है ना मेरे साथ, किसी का सपोर्ट नहीं जितना इनका सपोर्ट मेरे साथ। और ये गाइस लव यू दिल से, मैंने लिख के दी थी भैया, खूब तरक्की करे, खूब मैंने लिख के दी थी इनको, और अजय भाई आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे भैया। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने घर पे, अपने फ्लैट पे। तो अपने शिव भाई का बर्थडे था, अच्छे से सेलिब्रेशन किया हम लोगों ने सब ने, और अभी आ गए हैं घर पे, तो जल्दी से उतरते हैं। तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं अपने फ्लैट पे, और अजय भाई हमें छोड़ने आए थे, तो मस्त अच्छे से अपने शिव भाई का बर्थडे सेलिब्रेशन करा हुआ, तो कल भी जाएंगे मे बी। और आज का व्लॉग हम यहीं पर एंड करते हैं, सुबह से पूरे थक चुके हैं क्योंकि घर शिफ्टिंग में लगे थे, और अभी शाम को फिर अपने भाई का बर्थडे था तो जाना ज़रूरी था हमें, अली तो जाके आ गए सेलिब्रेशन किया, और अभी जाके एक बज गए रात के, तो अभी जाके सोएंगे हम लोग। इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। आपको होम टूर चाहिए, होम टूर ब्लॉग, उसके लिए कमेंट जरूर करें, उसका भी दिखाएंगे आपको होम टूर। नया जो गाइज होम टूर चाहिए कमेंट करो भैया, सुनो इनकी, कमेंट करो। तो होम टूर अभी के लिए आप सभी को बाय बाय, गुड नाइट, जय श्री राम, जय श्री राम, सभी को जय श्री राम।